हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जाखू मंदिर की ओर और आगे चले हमारे भाई। तो भाई साहब देख लो यार, हेलो, ऐसा क्या हो गया भाई? हेलो हेलो हेलो, शर्मा क्यों रहे आप लोग इतना? नहीं नहीं भाई, हम क्यों शर्मा रहे। तो फ्रेंड्स, हम चढ़ रहे हैं जाखू मंदिर की चढ़ाई, जो कि यहाँ से तकरीबन कितना होगा भाई? पता नहीं सर, अब इतना तो आइडिया हमें है नहीं। हाँ, तो तीन बार जा चुके हैं भाई, तीन बार जा चुके हैं भाई, आप बताएंगे कितना है यहाँ से जाखू मंदिर? भाइयों को कुछ पता नहीं है भाई, शिमला में रह के अराउंड 1 किलोमीटर होगा। और चढ़ाई तो आपको दिखाई देते कि कैसी है, इससे चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बंदरों का खतरा भी बना ही रहता है, जो कि आपको आगे दिखाई भी देंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँचे थे अभी आधे रास्ते में और आगे है बंदर। तो यहाँ के बंदर तो बहुत खतरनाक होते हैं, अगर कुछ छीन ले तो वापस नहीं देते। आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, तो ये है सामने, इनकी साइड देखना नहीं पड़ता है। जब भी हम जाखू मंदिर जाते हैं तो इनकी ओर देखना नहीं पड़ता, अगर इनकी साइड देखें तो ये झपट्टा भी मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो नॉर्मल चढ़ाई चढ़ी, लेकिन जो असली चढ़ाई है जाखू मंदिर की, वो अब हो रही है स्टार्ट। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ से सीढ़ियाँ भी है और खड़ी चढ़ाई भी है, तो चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो भाई, हम कितनी टाइम से चले यहाँ से? आधे घंटे से, नो आइडिया। तो तकरीबन आधे घंटे से चली हम, 20-25 और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, अब तो पसीने भी आने लग गए हैं। तो 10-15 मिनट का रास्ता बचा है, वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा अगर कोई बंदर ना मिले आगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कभी जाखू मंदिर आए, अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई महिला हो जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे रोप वे भी है, जो लिफ्ट लगाई गई है नीचे से सीधी जाखू मंदिर तक, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, आपको चढ़ाई चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिफ्ट भी नहीं लेनी है तो पीछे टैक्सी भी मिल जाती है जाखू मंदिर के लिए, तो हम तो चल सकते हैं, तो हम तो पैदल ही चल रहे हैं अभी, और साथ में हैं भाई लोग। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर बंदर, जो कि रास्ते में ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि कभी भी हम हमारी चेकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सामने है बंदर, दिखा देते हैं आपको, जो कि है रास्ते में ऊपर बैठे हुए, तो आपको अक्सर रास्ते में यहाँ बंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे तो कैमरा रखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा भी छीन सकता है, तो मैं अंदर ही रख देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर है हनुमान जी की प्रसिद्ध मूर्ति, जो कि आपको कहीं से भी, मतलब जब शिमला आएंगे तो दूर से ही देखने को मिल जाएगी, जो कि है सामने ऊपर, आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही होगी, जो कि हम ऊपर जाके भी बहुत क्लियर दिखाई देगी आपको, हल्की सी दिखाई दे रही होगी पीछे। हम जा रहे हैं अभी इसी के पास। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जाखू मंदिर, और यहां से होती है मंदिर की एंट्री स्टार्ट, और चढ़ाई खत्म, और चढ़ाई होती है खत्म, और मंदिर का परिसर होता है यहीं से शुरू। तो फ्रेंड्स, ये है नज़ारा मंदिर का, तो आपको यहां स्टार्टिंग में ही मूर्तियां देखने को मिल जाता है, और यहां ऊपर लिखी गई है पूरी हनुमान चालीसा, तो हम करेंगे प्रणाम और चलेंगे फिर आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से होती है पूरी स्टार्टिंग मंदिर की, याद है पूरी हनुमान चालीसा। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो यहाँ से तकरीबन 100 मीटर का रास्ता है मंदिर के ऊपर, तो अभी हम हैं पहुँचने ही वाले। भाई कैमरा मुझे पकड़ा रहे, और भाई लोग भी हमारे साथ चले हुए, डटे हुए पिछले 1.25 घंटे से भाई लोग सभी साथ हैं, और तकरीबन अब पहुंचने ही वाले हम सभी लोग मंदिर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और सामने है मंदिर का नज़ारा, और ऊपर को दिख जाएगी आपको मूर्ति, भव्य भव्य मूर्ति है यहाँ पे हनुमान जी की। तो इसकी ऊंचाई कितनी? 109 फुट है, ऐसा ही है भाई, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 109 से 110 फुट है, और यहाँ पे नीचे
छोटे बच्चों के लिए पार्क भी बनाया गया है खेलने के लिए। और ये है यहाँ का नज़ारा, और हम हैं जाखू मंदिर में। और सामने दिखाई देगी आप लोगों को मूर्ति, तो ये है हनुमान जी की मूर्ति जो कि है 110 मीटर की। तो फ्रेंड्स ये है मंदिर का नज़ारा, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये है शिमला का जाखू मंदिर, यहाँ तो ये है जाखू मंदिर का नज़ारा। सामने है पुजारी जी, तो फ्रेंड्स ये है मंदिर का नज़ारा। मंदिर है अभी बंद, तो यहाँ तो फ्रेंड्स मंदिर तो पहुंच चुके हैं, और अब उतारेंगे हम यहाँ पर जूते और फिर जाएंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने। जाखू मंदिर की शान जो कि आपको शिमला आते ही सबसे पहले दिखाई देती है, वो भव्य मूर्ति।
तो ये है फ्रेंड जाखू मंदिर की भव्य मूर्ति। ये है मंदिर का नज़ारा, हनुमान जी की प्रसिद्ध मूर्ति है। यहाँ पे कैमरा मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है दिखाने के लिए। ये है यहाँ का पूरा नज़ारा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा विजिट था जाखू मंदिर का वो हो चुका है कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं वापस शिमला की ओर, क्योंकि तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया है हमें यहाँ आए हुए। तो फ्रेंड्स अब जाने की तैयारी है। तो जो जो इस व्लॉग को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे फ्रेंड्स। तो आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो अब जाने की हो रही है तैयारी, तो फ्रेंड्स चलते हैं अब वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।